आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने आज तीसरी मर्तबा दिल्ली के वजीर अला के तौर पर हलफ लिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में वाजिया अक्सरियत के साथ शानदार जीत दर्ज की है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजल ने केजरीवाल को आज राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आवाम का समंदर नजर आ रहा था और उनके हाथों में तिरंगा और आपकी झंडा लहरा रही थी। वाजह रहे कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि दिल्ली के बेटे यानी अरविंद केजरीवाल की वजीर अला के तौर पर हलफबरदारी की तकरीब में दिल्ली के अवाम बड़े पैमाने पर शिरकत करें। दिल्ली असेंबली के 70 नशस्तों में आपने 62 नशस्तों पर शानदार जीत दर्ज की है। पेश है इस हवाले से वैली ऑनलाइन की दिल्ली से ये खुसूसी रिपोर्ट। सब लोगों को दिल्ली वासियों को कि अभी हनुमान अभी जो है केजरीवाल हनुमान बन गया है तो सीता को माँ सीता को चाची सीता को दादी सीता को नानी सीता को बेटी सीता को जो है सत्ता में भागीदारी कब देगा और उसके लव कुश बच्चों को जो है वॉलंटियर्स को जो है कब जो है सत्ता में भागीदारी मिलेगी। तो ये मैसेज जो है अरविंद केजरीवाल से हमने पूछना है कि जो है कब जो है सत्ता में जो है लाओगे लड़कियों को लेडीज को 50% जो है कब रिजर्वेशन दोगे सत्ता में जो है। जब तक लड़कियों को नहीं भागीदारी मिलती तब तक जो है हमारी तरक्की नहीं हो सकती। तो भाई ने हमारे उठाया महिला सुरक्षा का मामला तो हमारे अरविंद केजरीवाल ने जो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं अगर आप देखेंगे महिलाओं के लिए डार्क स्पॉट पूरी दिल्ली के अंदर जहां भी था वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है महिलाओं के लिए जो है तीर्थ यात्रा का इन्होंने प्रबंध किया है ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जिन्हीं मुद्दों के बिना पर ये लोग यहाँ आज जो है अरविंद केजरीवाल ने जो ओथ लिए उसी का सबूत है। दिल्ली की जनता ने उनको सपोर्ट कराया सिर्फ विकास के मुद्दों पे किया है और इसी की ये जीत है उन सभी लोगों को जो सेकुलर है जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा है जो सब लोगों ने दिल्ली की जनता ने दिखा। हमारे इलाके में शादरे से आता हूँ और यहाँ पर क्या है दो जगह पर अमित शाह जी ने अपनी रैली की थी और जहाँ पर उन्होंने खाना खाया था दोनों जगह पे वो कैप्चर करे गए और बैक टू बैक उनको जो है मीडिया में जो है उसको अपलोड किया गया। तो अमित शाह जी बिल्कुल गलत बोलते हैं। दिल्ली के अंदर 2 लाख से ज्यादा कैमरे रिकॉर्ड इंस्टॉल्ड हुए हैं ये हमारी गलियों में मोहल्ले में नुक्कड़ों पे चौराहों पे आपको दिखाई देगा। तो ये झूठी राजनीति। पानी की सुविधा अगर पानी के मुद्दे की बात करूं तो दिल्ली के अंदर नई बहुत सारी लाइनें ऐसी बिछाई गई हैं अनऑथराइज कॉलोनी में जहां पे पानी की व्यवस्था पूरा इंतजाम किया गया है। गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने चुनाव से पहले नकली तरीके से सैंपल उठाए थे 10 सैंपल उठाए जिसके अंदर 7 सैंपल गलत पाए गए और उनको गलत तरीके से राजनीति में बुलाने की कोशिश करी जहां उन्होंने अपने मुंह की खाई है। तो पानी का मुद्दा अभी भी काम उस पर चल रहा है 70% दिल्ली में काम हो गया आने वाले टाइम में वो पूरा होगा। महिला का मैं बता दूं डीटीसी बसों के अंदर मार्शल्स मौजूद कर दिए गए ऑलरेडी उनकी सुरक्षा के लिए डार्क स्पॉटों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है ये भी महिला सुरक्षा के लिए है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे हर चौराहे पे हर इलाके के अंदर गार्ड मार्शल तैनात करने की तैयारी कर दी गई है काम हो रहा है। केजरीवाल में तासुर नहीं है भाईचारा है और अल्लाह ताला की मदद इसीलिए उसके साथ है कि बड़े बड़े मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी 200 मिलकर उसको हरा नहीं सके। केजरीवाल कह रहे हैं लोग कह रहे हैं 5 साल में गए तो 50 साल और वो सीएम से पीएम बनेगा अल्लाह ने चाह रहे वो पहला हिंदुस्तान कहाँ वो हिंद की पहली आन कहाँ जो कल सोने की चिड़िया था उसकी आज वो शान कहाँ पहला हिंदुस्तान का। क्यों दो शेर पढ़ूंगा के अब मुजरिम लीडर बनते हैं हाकिम डिक्टेटर बनते हैं
ना अहल मिनिस्टर बनते हैं, बीए एमए वेटर बनते हैं, रहबर गुमराह करते हैं, उनकी एक जुबान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान का हिंदुस्तान कैसा हो, सब हिंदू मुस्लिम अच्छे हो, सब सिख ईसाई सच्चे हो, प्यार दिलों में भरे हुए बूढ़े जमा और बच्चे हो, हम नफरत अगर करेंगे तो रब होगा मेहरबान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ, वो हिंद की पहली आन कहाँ, जो कल सोने की चिड़िया था उसकी आज वो शान कहाँ। शुक्रिया खुदाई कर दिया, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की, ये सब अब नहीं चलने वाला है। अभी तो दिल्ली में हार बा, आगे बिहार बा, नीतीश कुमार को भी वोट में आना है, क्योंकि स्कूल कॉलेज का हालत बिहार में इतनी खास्ता हालत है, पूछो मत सर। नीतीश को किसको हराना है भाई? पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल का मॉडल चलने वाला है, सब दिल्ली को देख के हर इलाके में हर राज्य में काम करेंगे लोग, हर राज्य में काम करेंगे। जैसा काम दिल्ली में हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। हर मिनिस्टर, हर होम मिनिस्टर सारे ये चाहते हैं भाई पूरे इलाके में काम हो, दिल्ली जैसा काम हो। केजरीवाल जिंदाबाद। आपसे और केजरीवाल जी से ये संदेश देना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से आपने दिल्ली की जनता को सुविधा दी है, उसी प्रकार से आने वाले चुनाव में मैं आपको संदेश देता हूँ, मैं अररिया सीट से आपको चुनाव लड़वाना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी सीट का वादा करता हूँ, अररिया विधानसभा से मैं आपके झोली में जरूर डालूंगा, इसलिए आप हमें इंशाल्लाह ये वादा करें। जो बिहार अध्यक्ष है हमारे, उससे ही मैं मिलने के लिए अभी आया हूँ और इसी पार्टी के सिलसिले में मैं बात करूंगा अररिया विधानसभा से हूँ। और आज हम देश की जनता को संदेश देने के लिए आए हैं कि जो आज का सीएम, जो दिल्ली का सीएम है, वो आने वाले भविष्य का पीएम है, देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अन्य राज्य के अंदर भी आवाजें उठने लगी है कि जब दिल्ली का सीएम अगर इतना सब कुछ कर सकता है तो अन्य राज्य की जनता, देश के राज्य के लोग क्यों नहीं कर सकते, अन्य लोगों के जो बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठने लग गई है कि आने वाला पीएम तो अरविंद केजरीवाल ही है। पीएम केजरीवाल, आज का सीएम कल का पीएम, आज का सीएम कल का पीएम, देश का पीएम। मेरे नाम खालिद बाबा है, हम लोग सीरापुर से आए, हम इसलिए आए कि जो 5 साल में काम हुए, 3 बार अरविंद केजरीवाल जी ने जो शपथ ली है, जो हमारी दिल्ली के अंदर काम हुआ है वो कभी आज तक नहीं हो पाया, हम लोगों को यहाँ 50 साल हो गए रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो अरविंद जी ने दिल्ली में काम कर रहे हैं, ऐसा ही सारे लोगों को काम करना चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति खत्म हो जानी चाहिए, सब हम आपस में हैं, भारत माता के बेटे हैं। इंसान से इंसान का है भाईचारा, यही संदेश हमारा। सीएम केजरीवाल जी आज शपथ ले रहे हैं, उनके पूरी जनता, भारी पूरी जनता उनको सपोर्ट कर रही है, उनके साथ बहुत खुश है। हम लेकिन हमारे खुश है कि हम गरीब वर्षों में यात्रा कर रहे हैं, हमारे अच्छे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारे गली मोहल्ले में हमारे विधायक अजय दत्त जी बहुत सारा काम करवाए, इस वजह से बहुत खुश है। उन्होंने गरीबों के लिए, हमारे लिए इतना सब कुछ सुविधा कर दी है, इतनी कर दी है कि आज तक के किसी भाजपा कांग्रेस किसी ने नहीं कही। मैं आम आदमी पार्टी को ही वोट डालूंगी, अपनी पहला वोट उनको ही डालूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ किया, आगे भी वो पीएम बनेंगे, सीएम से पीएम बनेंगे, पीएम से प्रेसिडेंट भी बनेंगे। Oh, please, no, man.